subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से डिजिटल गुरुजी महिंद्राज यूट्यूब चैनल में। और हम लोग जो अपने जीएस की क्लासेस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अपने हिस्ट्री और मेडिवल इंडिया के पार्ट को पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट, पहला हिस्सा, जिसे दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया था, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया, जिसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेशन भी रखा गया था। कुछ सवालों को हम लोग ने सॉल्व करके उसको प्रैक्टिस किया, उसके बारे में अपने रिवीजन को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। आज जो टॉपिक, जो अध्याय, जो कैरेक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो बाबर के नाम से जाना जाता है। बाबर वो जिसने मुगल वंश की शुरुआत की है। ये वो वंश है जो कि मेडिवल इंडिया का दूसरा बड़ा ताकतवर वंश है। और दूसरी बात ये कि इस वंश ने कई एक बार दिक्कतों का, परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन परेशानियों का सामना करने के बावजूद इसने अपने आप को, अपने दृढ़ता को, जिसे फर्म डिटर्मिनेशन कहा गया, उसको मेंटेन रखते हुए अपने ताकत को दोबारा से स्थापित किया, तिबारा से स्थापित किया, लेकिन पीछे नहीं हटा। ये किसी भी योग्य, किसी भी काबिल और किसी भी ताकतवर व्यक्ति की निशानी होती है, जो मानसिक रूप से ताकतवर है। देखिए, अगर आप मानसिक रूप से ताकतवर हैं तो शरीर की ताकत घट बढ़ सकती है, लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर एक बार ताकत भरती है तो फिर वो हमेशा के लिए चलती रहती है। तो हम लोग ऐसे ही वंश और ऐसे ही दिमागी तौर पर एक ताकतवर व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम बाबर है, जिसने भारत में मुगल वंश की शुरुआत की है। तो अपने टॉपिक की शुरुआत की जाए, और बाबर की जो प्रारंभिक जानकारियां हैं, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, वो ये, जैसे उसका बर्थ 14 फरवरी 1483, ये वो दिन और साल है जब बाबर का जन्म हो रहा है। और बाबर का जो जन्म हो रहा है वो एक ऐसी रियासत में जिसको किताबों में फरगाना के नाम से लिखा जाता है। जो उसका स्टेट है, जो उसका राज्य है, उसे फरगाना कहा जाता है। फरगाना में भी एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम लिख देते हैं, जिसका नाम है मावराउन्नहर, मावराउन्नहर, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, आमतौर पर जो हम लोगों को किताबों में मिलता है वो नाम है फरगाना। फरगाना की भी स्पेसिफिक रियासत, जब कभी किसी बहुत बड़े एग्जाम में आप जाएंगे तो वहां पर इस तरह के सवाल आते हैं, तो वैसे आमतौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं उन सभी में फरगाना का नाम आता है। आमतौर पर जो किताबें हम लोगों को पढ़नी पड़ती हैं, जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें भी फरगाना का नाम आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये आपका मावराउन्नहर की बात आती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस रियासत में जन्म लेता है ये बच्चा, और इसके पिताजी का नाम, जिनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा या मिर्ज़ा उमर शेख, कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं, उमर शेख मिर्ज़ा या मिर्ज़ा उमर शेख, ये दोनों आपको नाम मिलेगा। और ये इस मावराउन्नहर के, फरगाना रियासत के राजा हैं, किंग हैं, शासक हैं, और मिर्ज़ा उनकी टाइटल है, जो मिर्ज़ा शब्द अंत में जुड़ा है ये उनकी उपाधि है, ठीक। इनकी जो माँ है, यानी बाबर की जो माता जी हैं, जो उमर शेख मिर्ज़ा की पत्नी है, उनका नाम कुतलुग निगार खानम है। और बाबर की जो दादी माँ है, जो दादी माँ है, उनका जो नाम है वो एहसान दौलत बेग है। बहुत बड़ा योगदान है बाबर की दादी माँ का, बाबर के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जिस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं फरगाना, ये सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। सेंट्रल एशिया हमेशा से मारधाड़ का इलाका रहा है। आज भी आप देखिए तो रूस से लेकर ईरान, इराक तक, अरब तक चले जाइए तो अक्सर वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता रहता है कि कहीं ना कहीं ये सारे मारधाड़ और लड़ाई झगड़े, चेचेनिया का इलाका है, उज्बेकिस्तान है, सीरिया है, आपका ये सारा इलाका है जहाँ पर अक्सर शिवम जी, मेरी क्लास जो है वो आपको 4:45, शाम 4:45 पे शुरू होती है। अभी ज़्यादा नहीं, बमुश्किल 5 मिनट हुआ होगा इस क्लास को शुरू हुए, ठीक है ना। तो 4:45 पर क्लास होती है आपके जीएस की, ठीक। चलिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब कुल मिलाकर मिर्ज़ा की जो उपाधि दी गई है, ये उपाधि के साथ इनका परिवार चल रहा है। बाबर के जो चाचा हैं, एक बाबर के चाचा जी भी हैं जिनका नाम मिर्ज़ा अहमद है, और मिर्ज़ा अहमद अर्थात उमर शेख मिर्ज़ा और मिर्ज़ा अहमद के बीच लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। वो सेंट्रल एशिया का एक हिस्सा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन सी बात है। वहाँ पर कोई बहुत बड़ा फिनोमिना नहीं है कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। मोनार्की सिस्टम में भाई बहन, पिता और बेटे के बीच का कोई खास मायने नहीं होता है।
सिर्फ गद्दी और गद्दी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये परिचय है बाबर के जीवन के शुरुआती दौर का। और बाबर के जो पिताजी हैं, अब थोड़ा सा अगर इनके पूर्वजों की ओर जाएं तो आपको ध्यान होगा जब हम लोग बात कर रहे थे तुगलक वंश को लेकर और तुगलक वंश के अंतिम शासक को लेकर जिसे नसरुद्दीन तुगलक शाह के नाम पर जाना जाता है, तो उसको हम लोग जलालुद्दीन नहीं है आशीष कुमार जी, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर नहीं है, जहीरुद्दीन है, जलालुद्दीन अकबर को कहा जाता है। ठीक है ना, इसे ठीक कर लीजिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहा जाता है। ठीक, तो जो अपने वंशजों से अगर बात किया जाए तो वंशजों को लेकर जो बातें आती हैं, हिस्ट्री एंशंट हिस्ट्री की भी क्लास होगी आरपी सिंह जी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सारी क्लास करेंगे बाय वन सबको करते चलेंगे। ठीक है ना, तो अपने पिता की ओर से हमारा बाबर चंगेज खां से तैमूर लंग से ताल्लुक रखता है। ये जब हम लोग तुगलक वंश की बात कर रहे थे, अंतिम तुगलक राजा के बारे में बात कर रहे, तो हम लोगों ने वहाँ पर इस नाम को लिया था जो कि 18 दिसंबर 1398 को आक्रमण करता है। ठीक है ना, उसकी बात कर रहे थे। तो वहाँ से तैमूर से बाबर पांचवा वंशज है और अपनी माताजी जिनका नाम कुतुलुग निगार खानम है उनसे बाबर जो है चंगेज खां का, ये भी एक बहुत ताकतवर और बहुत बलवान जो है मंगोल राजा हुआ करता था, उससे 14वां वंशज है। यानी एक ऐसे परिवार से इसका जो डीएनए, इसका जो खून है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ है। सेंट्रल एशिया के लिए कोई, मैंने अभी कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं आती है, तो वहाँ के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है, एक बढ़िया लग्जरियस लाइफ है। पिता जिस रियासत से ताल्लुक रखते हैं वो ढेर सारा पैसे वाला इलाका पड़ता है, तो ज़िंदगी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का चम्मच से दूध पीने वाला, खाना खाने वाला ये बाबर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलता है। लेकिन ज़िंदगी कब दुश्वारियाँ लेकर आएगी, ज़िंदगी में कब परेशानियाँ आएंगी, ये कोई नहीं जानता है, बाबर भी नहीं जानता है। बाबर की उम्र अभी मात्र 11 साल थी कि उसकी ज़िंदगी की पहली बड़ी परेशानी आई और उनके पिताजी अपने महल के छत से गिर पड़े। कुछ लोग कहते हैं कबूतरबाजी का कोई खेल हो रहा था जिसे वो देख रहे थे और इसी दौरान वो छत से गिर पड़े। कुछ लोगों ने कहा कि कबूतरबाजी का खेल तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो गिरे नहीं, उन्हें राजनीतिक तौर पर किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत गिरा दिया गया, ढकेल दिया गया। क्या सच है बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को ढकेलने से उससे कोई मतलब नहीं है, षड्यंत्र था कि नहीं था। कुल मिलाकर पापा जी गिर पड़े हैं और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है और 11 साल की छोटी सी उम्र का ये बच्चा, अब इसके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा है क्योंकि मोनार्की सिस्टम में हेरिडिटरी सिस्टम जो आ रहा है, जो सक्सेसरशिप लॉ आ रहा है, जो उत्तराधिकार का नियम आ रहा है, उस नियम के अनुसार बाबर के पास अब राजा बनने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं। लेकिन दिक्कतें और परेशानियां भी और फेस करनी है बाबर को। तो दादी एहसान दौलत बेग की बदौलत ये लड़का 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गया है, शासक बन गया है। लेकिन दादी की भी एक उम्र है, दादी का बेटा अर्थात बाबर का पिता मर चुका है और किसी भी माँ और बेटे के लिए उसके बड़े बेटे की मौत हमेशा दुखदाई रही है। तो उमर शेख मिर्ज़ा की मौत ने भी दादी को परेशान कर दिया है। एहसान दौलत बेग साहिबा अंदर ही अंदर परेशान हो रही हैं, दुखी हैं और उनकी भी डेथ हो गई है। उनकी डेथ ने बाबर के सामने अब मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो चाचा अहमद मिर्ज़ा हैं शैबानी खां जैसे एक लालची राजा के साथ मिलकर उन्होंने फरगाना पर आक्रमण करने का प्लान बनाया है। फरगाना प्रॉस्पेरस स्टेट है, इस पर कब्जा कर लिया जाएगा, कुछ हिस्सा चाचा के पास, कुछ चाचा के दोस्त के पास चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर राज्य के बंटवारे की बात हो गई है, आक्रमण का दौर शुरू हो गया है। बाबर इन आक्रमणों का सामना करता है, कुछ 3 बार लड़ाइयों का वो सामना करता है। पहले 2 बार लड़ाई और लड़ाई के बीच समझौते होने का काम हो गया, किसी तरह से बच गया, लेकिन जो तीसरा आक्रमण रहा वो फाइनल था। उस तीसरे आक्रमण ने बाबर को पराजित कर दिया है और बाबर को अब फरगाना छोड़कर भागना पड़ा है। भागता हुआ बाबर फरगाना से निकलकर अब भागते हुए बाबर पहुंच गया है एक ऐसी जगह पर जिसे काबुल कहा जाता है, ये अफगानिस्तान का इलाका है। अब 1504 वाले साल में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया है। ये वो इलाका है जहां के लिए बाबर की रणनीति, बाबर की युद्ध नीति बिल्कुल नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत की परेशानी वाली बात नहीं है। तो काबुल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन
काबुल का जो पूरा साम्राज्य है, काबुल का जो पूरा हिस्सा है, वो उसके लिए बड़े दुर्दिन वाले, उसके लिए सबसे ख़राब दिन वाले दौर दिखाई पड़ रहे हैं। इसी काबुल में ही रहते हुए 1507 वाले साल में बाबर ने अपनी उपाधि धारण की है, जिसे बादशाह के नाम पर जाना जाता है। एक्चुअली में ये जो शब्द बना है, वास्तविक रूप से ये शब्द जो बना है वो बादशाह नहीं है, ये सिर्फ बोल चाल के बदलाव की वजह से बोला जा रहा है। जबकि ये शब्द जो है वो शब्द बना हुआ है पादशाह से। ये जो रियल प्रोनाउंसिएशन है टर्किश लैंग्वेज में, वो पादशाह है, जिसको कि इक्विवेलेंट टू गॉड कहा जाता है टर्किश लैंग्वेज में। यही शब्द जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया है बादशाह में, और यही परंपरागत रूप से फिर चलने लगा है। तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि टर्की में क्या बोलते हैं, वैसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं। बादशाह की उपाधि धारण की है, हम लोगों को उसी उपाधि से अपना काम भी करना है, क्योंकि सवाल भी उसी से पूछा जाएगा। तो अपने आप को बादशाह घोषित करके ये काबुल के इलाके में, काबुल एक ऐसा इलाका, बिल्कुल सही बात है सुशील जी, अफगानिस्तान की राजधानी है, तो काबुल जैसे इलाके में रहता हुआ जिंदगी को आगे बढ़ाने की और लाइफ में स्टेबिलिटी की तलाश में लगा हुआ है हमारा बाबर। क्योंकि जो काबुल का इलाका है वहां पर पैसा नहीं है, काबुल के इलाके में वो जो एक लाइफ का लग्जरी था जो फरगाना में था वो नहीं है, इसलिए बाबर का मन, बाबर का जो दिमाग है वो काबुल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जो बाबर के साथ के लोग आए हुए हैं वो भी बाबर को बार बार इस बात के लिए इम्फसाइज करते हैं, उसे टोकते हैं, बाबर फरगाना वापस चलो। बाबर एक सच तो जानता है, वो सच ये है कि फरगाना की वापसी असंभव है, फरगाना तो नहीं जा सकते, वहाँ का रास्ता बंद हो चुका है। इस बात को उसने उन लोगों को भी बताया जो फरगाना वापसी की बात कर रहे थी कि देखिए फरगाना नहीं जा सकते हैं, फरगाना का दरवाज़ा खटखटाने का मतलब है मौत का दरवाज़ा खटखटाना, और अगर मौत के दरवाजे को आप खटखटाने की बात करते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का देखिए, ये कुछ बड़े व्यक्तित्व हैं, आपको इनको पढ़ने के लिए थोड़ी सोच विकसित करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा अपना सोच बढ़ाना पड़ेगा। आप परीक्षार्थी हैं, धर्म की और इन सब छोटी छोटी जो सोच हैं इनसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, और अगर आप इनसे सीख सके, बाबर अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो हम लोगों को कि इनके धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें इनके ज़िंदगी में जो मिलने वाली चीज़ें हैं, हमें इनकी ज़िंदगी से मिलने वाला वो जो लेसन है, वो फर्म डिटर्मिनेशन, काम करने की जो ताकत है, अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने की जो ताकत है वो अडॉप्ट करना है, ठीक है ना। जो कुछ एक छोटे मोटे और अभद्र कमेंट किए जाते हैं उन सारी चीज़ों से ऊपर उठिए। आप बड़े अच्छे घर के परिवार से बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैसेज करिए, ना कि कुछ ऐसी बातें जो अच्छी ना लगती हों। चलिए खैर, तो बाबर ने अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, वो लाइफ में स्टेबिलिटी की तलाश कर रहा है, होना भी चाहिए, हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। और अगर उसके लिए किसी को पराजित कर देना है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज के प्रतियोगी युग में जब आप जाते हैं एग्जाम देने तो कोई आपको भी पराजित करता है, यानी कोई आपकी योग्यता की हत्या करता है। अगर हम लोग थोड़ा अलग शब्दों का प्रयोग कर लें तो आपकी योग्यता को हत्या करके अपनी योग्यता को साबित करता है। तो ये तो देखिए प्रतियोगिता के दौर का ये बड़ा सीधा सिद्धांत है, जो अपने आप को काबिल साबित करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, यही काम करना है आप लोगों को। तो ओवरऑल अब हमारे बाबर ने भारत जैसे देश पर कुछ 3 बार आक्रमण करके, छोटे छोटे भेरा पर, उच्च पर, ऐसे कुछ छोटे आक्रमण करके उसने भारत के राजनैतिक और आर्थिक हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया है, और उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। भारत एक पैसे वाला देश है, इसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं रह गई है, पहले से बात साबित हो चुकी है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से भारत की जो राजनीतिक स्थिरता का माहौल है वो बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो चुका है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों परिस्थितियों का फायदा उठाकर बाबर भारत पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा है। अभी उसे भारत के अंदरूनी मामले में पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन तब भी काफ़ी कुछ जानकारी मिल रही है। इसी बीच वो भारत पर अपना बड़ा आक्रमण करे, कैसे करे, क्या करे, तो इसी बीच उसको एक मैसेज आया, दौलत खां लोधी का बेटा जिसका नाम दिलावर खां लोधी है वो आ गया है। अब दिलावर खां लोधी बाबर से मिलता है, उनको आक्रमण करने का न्योता देता है, और अब बाबर इस ओर तैयारी कर रहा है कि अचानक मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह अर्थात राणा संगा का भी मैसेज आ चुका है कि भारत पर आक्रमण करो। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आक्रमण करने की बात कही जा रही है, और इस आक्रमण को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, और उस एक आक्रमण को अंजाम दिया गया है पानीपत के पहले युद्ध के साथ।
जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। जब हम लोग सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया था, याद होगा आप लोगों को, कहा हम लोगों ने इस लड़ाई के बारे में पढ़ा था जिसमें बाबर ने अपनी तुलगमा नीति का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया है, युद्ध के मैदान में मार दिया है और अब वो भारत को जीत गया, यानी उस हिस्से को जीत गया जो कि अब तक दिल्ली सल्तनत का था। जब हम लोग पढ़ रहे थे इब्राहिम लोदी तो हम लोग ने चर्चा किया था कि हम लोग तुलगमा नीति पर भी चर्चा करेंगे और आज समय है हम लोगों के पास वो टॉपिक है जिस पर हम लोग तुलगमा नीति पर थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। जैसे तुलगमा नीति वो नीति है जिसमें तोप को बग्घी गाड़ियों से बांधा गया है रस्सी की मदद से और सामने वाली सेना को चारों ओर से घेरने की नीति। अगर हम इस जो बचे हुए हिस्से हैं इसको अगर हम लोग कुछ देर के लिए पानीपत का मैदान मानकर ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बाबर की सेना है, यानी पानीपत का मैदान है, बाबर की सेना खड़ी है। बाबर ने अपनी सेना के कुछ मध्यवर्ती हिस्से पर अपने बग्घी गाड़ियों को खड़ा कर दिया है। ये बग्घी गाड़ियां हमने बना दी हैं डिजाइन के तौर पर और इनको रस्सी से जोड़ दिया गया है और इन्हीं रस्सी के बीच में जो कैनन है जिसे हम लोग तोप की नाल कहते हैं वो लगा दी गई हैं। चूंकि चारों ओर से घेरने के लिए सेना बहुत बड़ी होनी चाहिए तो जो ये वाले हिस्से हैं, जो ये दो हिस्से हैं, इनको ब्लॉक करना पड़ेगा तो इन दोनों हिस्सों पर खाइयां बना दी गई हैं, बड़ी बड़ी खाइयां बना दी गई हैं ताकि अगर आदमी उसमें एक बार गिर जाए तो उसे बाहर निकलने में दिक्कत हो जाए। और एक जो निचला हिस्सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा, तो यहां से कहीं ना कहीं ये देखिए एरो बना हुआ है, तो इस हिस्से से सामने वाली सेना को आने का मौका देना है। और अब कुल मिलाकर बाबर ने अपनी सेना के दो टुकड़े, एक तो तोप वाली सेना और एक आपके घोड़े और पैदल वाली सेना, जिन्हें काफ़ी आगे खड़ा किया गया है ताकि तोप दिखाई न पड़े और इब्राहिम लोदी अब उस दरवाजे से, उस रास्ते से प्रवेश कर रहा है जो खाली वाला रास्ता है, एरो वाला रास्ता जो आपको दिख रहा होगा इधर से, और इसके साथ में अब इब्राहिम लोदी की सेना प्रवेश करती है। ये जो आपके घुड़सवार सैनिक है ना और पैदल सैनिक, शुरुआती ऑर्डर ये है कि तुम लोग पीछे चले आना। अब ये लोग पीछे चले गए हैं, जब ये लोग पीछे गए तो अब इब्राहिम लोदी को लगने लगा है कि बाबर की सेना शायद पीछे की ओर जा रही है, इसे थोड़ा और ढकेला जाए और निकाल बाहर किया जाए। उसे नहीं मालूम कि ये सब कुछ स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है जिसे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी के द्वारा तैयार किया गया। ये बाबर के दो वो ऑफिसर है जिन्होंने इस पूरी पॉलिसी को बनाया हुआ है। इब्राहिम आगे बढ़ता चला जाता है, पैदल सेना घुड़सवार सेना बाबर की पीछे होती चली जाती है और पीछे बढ़ती हुई सेना धीरे धीरे किनारे की ओर होती चली जाती है और जैसे जैसे किनारे की ओर होती चली जाती है वैसे वैसे इब्राहिम की सेना आगे बढ़ती चली गई और अचानक वो रुकती है, ठिठकती है तो उसके सामने तोप और बारूद है। इससे पहले कि वो संभलते वो पीछे आते धड़ाधड़ बारूद यानी गोलों की बरसात शुरू हो चुकी है और इस बीच बाबर इब्राहिम की सेना फंस चुकी है। बाबर ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। इसी पूरी नीति को तुलगमा नीति कहा जाता है जो उज्बेकी ऑफिसर्स के द्वारा, जिनका नाम उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी है, उनके द्वारा तैयार किया गया है। और अब इस लड़ाई में इब्राहिम को हरा दिया गया और मार दिया गया। ये बाबर के द्वारा किसी भी युद्ध में प्रयोग की गई पहली बार नीति है। ये बाबर के द्वारा प्रयोग किया गया पहले बार बारूद का है, जो बारूद के द्वारा प्रयोग करके वो अपनी सामने वाली सेना को नेस्तनाबूत कर देता है, पराजित कर चुका है और अब वो भारत पर अधिकार करने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली और आगरा तो उसके कब्जे में आ चुका है। इधर दौलत खान लोदी तो भाग गए हैं, वो मैदान छोड़ चुके हैं क्योंकि उनको बाबर की नीयत के बारे में जानकारी हो गई है। राणा सांगा इन तैयारियों में लग चुके हैं कि वो बाबर को निकाल बाहर करेंगे, वो बाबर को भगा देंगे, वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी आपको ध्यान होगा अलाउद्दीन खिलजी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे बताया था कि मेवाड़ और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ ये हमेशा से उन वीरों की, उन ताकतवर लोगों की जमीन रही है जिन्होंने हमेशा विदेशी सत्ता को चैलेंज देने की ताकत रखी है। राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में हार नहीं माली, घुटने नहीं टेके, पूरी लड़ाई की, भले अलग बात है कि मृत्यु का सामना करना पड़ा लेकिन हार नहीं मानी। अब वैसे ही उसी परिवार का लड़का है जिसे हम लोग राणा संग्राम सिंह कहते हैं, राणा सांगा कहते हैं, वो भी बाबर का लोहा लेने के लिए चल पड़े हैं, हार नहीं मान रहे हैं, वो भी निकल पड़े हैं कि हम बाबर को पराजित कर देंगे और उसे निकाल बाहर करके भारत की सत्ता को एक बार फिर से
राजपूतों के हाथ में, हिंदुओं के हाथ में वापस ले आया जाएगा। इस एक लड़ाई को आगे करने के लिए अब राणा सांगा ने भी बिगुल बजा दिया है और बाबर भी चल पड़ा है। शुरुआत दौर में सुलह समझौते की बात की गई है, लेकिन वो काम बन नहीं पाया क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चल गए। राणा सांगा ने बाबर पर आरोप लगा दिया कि तुमने हमारे और अपने बीच होने वाले, राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा नहीं है क्योंकि इनके बाद इनका जो ग्रैंड सन है जिसे महाराणा प्रताप कहते हैं सुशील जी, वो कहाँ, अभी राणा महाराणा प्रताप ने भी अपने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, इसलिए अंतिम मत बोलिएगा नहीं तो उस परिवार के साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंतिम ने अभी राणा प्रताप भी आने वाले समय में। तो अब कुल मिलाकर खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हो गई हैं आमने सामने। एक और राणा सांगा है जिनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उनके शरीर में ढेर सारे घाव लगे हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पर चोट लगने की जो संख्या है वो अलग अलग है, कुछ लोगों ने कहा 80 घाव लगे हैं, कुछ लोगों ने और बड़ी संख्या बता दी है। ओवरऑल ये बताने की कोशिश की गई है कि राणा सांगा एक बहुत ही बलशाली ताकतवर नेता है और अपने शरीर के ढेर सारे घावों के बावजूद वो इस युद्ध का सामना करके सामने वाली सेना को पराजित करने का अपने मन में एक अपने शरीर में एक ताकत रखते हैं। खैर अब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दोपहर तक की अगर बात किया जाए तो दोपहर तक इस युद्ध का जो नतीजा है वो बाबर के पक्ष में नहीं जा रहा है, बाबर के विपक्ष में जा रहा है। राणा सांगा जीत की कगार पर खड़े हो गए और बाबर हार की कगार पर खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहीं पर बाबर के द्वारा जो प्रयोग की गई रणनीति जो शायद राजपूत नहीं कर पा रहे हैं उसका ही दुष्परिणाम देखने को मिल गया, क्योंकि राजपूत अपनी पूरी सेना लेकर कूद पड़े हैं, पूरी सेना लेकर, जबकि बाबर की सेना कुछ टुकड़ों में युद्ध कर रही है। एक टुकड़ा लड़ रहा है, दूसरा टुकड़ा आराम कर रहा है, और जब दूसरा टुकड़ा अब मैदान में कूद रहा है तो कहीं ना कहीं उसका फर्क होता दिखाई पड़ रहा है। राजपूत जब दोपहर तक थक गए हैं तो बस अब बाबर ने अपनी सेना को एक बड़ा जबरदस्त भाषण दिया। देखिए अगर बात करें तो बहुत ही मोटिवेटर किस्म का, यानी कि मोटिवेशन में बहुत आगे का व्यक्ति है बाबर। उसके बोलने की कला शैली बहुत जबरदस्त है, वो अपनी बोलने की कला शैली की वजह से इस युद्ध को जीत गया है। आगे चलकर अपनी किताब में उसने इस युद्ध में किन किन परेशानियों का सामना किया उसका भी उल्लेख करेगा, लेकिन अभी हम लोग चर्चा करेंगे कुछ देर बाद उसकी। अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, दोपहर बाद युद्ध का नतीजा पलटता चला जा रहा है। राणा सांगा जो अब तक विजयी हो रहे थे अब उनके सामने पराजय है, लेकिन राजपूत पराजय नहीं मानते। ये राजपूतों के युद्ध के और राजपूतों के आत्मविश्वास की एक सबसे बड़ी विशेषता कह लीजिए। तो अब राजपूत युद्ध के मैदान में या तो मरेंगे या तो जीतेंगे, वापस तो कतई नहीं जाएंगे। इस एक परिणाम की वजह से बाबर को इस युद्ध में जीतना पड़ गया है, जीत गया है। राणा सांगा साहब को हार का सामना करना पड़ा है और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने इस पूरे युद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है और वो उसने एक उपाधि धारण की है। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को गाजी बताया है कि वो है जो काफिरों को मारने वाला है। देखिए ये स्ट्रेटजी है खाली, बाबर धर्म के कट्टरता वाला आदमी नहीं है, क्योंकि उसका जो परिवार है उसका जो खून है उसमें बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म दोनों है, क्योंकि कहीं ना कहीं कट्टरता जो है वो इतनी ज़्यादा आ नहीं रही है। तो इस वजह से अब गाजी की उपाधि धारण करके वो भारत की राजनीति में जो अफगानी लोग जो तुर्की लोग इससे पहले वाले बातें कर चुके थे तो उससे प्रभावित होकर उसने इस उपाधि को धारण कर लिया है। इधर राणा सांगा के एक अधिकारी है जिनका नाम मेदिनी राय है, मेदिनी राय से भी बाबर ने सुलह समझौते की कोशिश की है, लेकिन मेदिनी राय ने अपने मालिक का अपने किंग का हार का बदला लेने का तय कर लिया है और वो अब लड़ाई करने निकल पड़े हैं बाबर से। बाबर भी निकल पड़ा है लड़ाई करने के लिए और बाबर और मेदिनी राय का सामना होता है चंदेरी के मैदान में। 1528 वाला साल है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक और राजपूतों की वीर सेना, एक और बाबर की वो सेना जिसको भी कमज़ोर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और वही गलती मेदिनी राय दोहरा रहे हैं जो राजपूतों की कमज़ोरी है। अभी भी नहीं सीखा कि कम से कम अपनी सेना को 2 से 3 टुकड़ों में बांट लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, लेकिन इस लड़ाई का नतीजा भी पुरानी लड़ाई जैसा ही है। मेदिनी राय जीत की कगार पर खड़े हो चुके हैं और अब अपने आप को हारता हुआ देख, भारत को हाँ अपने हाथ से जाता हुआ देख, बाबर ने इस युद्ध के मैदान से अपने जिहाद की यानी एक धर्म की घोषणा। तो इस युद्ध के मैदान में
उसने जिहाद की घोषणा कर दी है, यानी कि एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध को हम लोग जीतेंगे। अगर जीत गए तो हिंदुस्तान मिलेगा, हिंदुस्तान का पैसा मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, और अगर हार गए और युद्ध में मरना पड़ गया तो हम लोगों को स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह के अपने मोटिवेशन वाले भाषण देते हुए बाबर ने अपने कमजोर हताश पड़ चुके सैनिकों में एक जबरदस्त उत्साह भर दिया और अगले कुछ घंटे राजपूतों के लिए, मेदिनी राय के लिए नुकसानदायक साबित हो गए। अगर इस तरह परिस्थितियों को, स्ट्रेटजी को चेंज करके लड़ा होता तो शायद भारत के इतिहास में आपको एक बार फिर से राजपूतों की वो सत्ता पढ़ने को मिली होती जो कभी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, समय अपनी गलतियों को दोबारा न दोहराने की नसीहत देता है, उसी चीज़ को हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर बाबर का काफी बड़े हिस्से पर अधिकार हो चुका है और अफगान जो भाग गए थी, मेदिनी राय और सॉरी आपके दौलत खां लोदी, आदम खां लोदी जैसे जो भाग गए थे, उन्होंने बंगाल में जाकर शरण लिया है। बंगाल में शरण लिया तो उन्होंने वहां पर अफगानों को फिर से इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा हो चुके अफगान अब बाबर नाम के इस आंधी को, इस तूफान को हिंदुस्तान से निकालने के चक्कर में लग चुके हैं। और वो एक मिलीजुली सेना जिसमें गुजरात का बहादुर शाह है, बिहार का बंगाल का मुजफ्फर खां है, मोहम्मद शाह लोहानी है, ताज खां सरवानी है, ऐसे कई लोग हैं जो मिलकर अब इस युद्ध में सामना करने जा रहे हैं बाबर का। शेर शाह सूरी एक व्यक्ति जो कि आगे चलकर अफगानों का नेता बनेगा, जो हुमायूं को पराजित करने वाला है, वो इस युद्ध से अलग रहेगा, वो तटस्थ रहेगा, वो इस युद्ध में शामिल नहीं होने वाला है। तो अब अफगानों की संयुक्त मिलीजुली सेना निकल चुकी है बंगाल और बिहार से, और बाबर को भी खबर लग चुकी है, तो बाबर की भी सेना निकल चुकी है। बाबर खुद नहीं आया है, बाबर के सेना का नेतृत्व दिया है उसके एक सेनापति ने जिसका नाम मीर बाकी हुआ करता था। तो मीर बाकी के नेतृत्व में बाबर की सेना निकल पड़ी है, इधर से अफगानों की सेना निकल पड़ी है, और आपके फैजाबाद और बाराबंकी के जो जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, इन जिले के बीच में एक नदी बहती है जिसे घाघरा के नाम पर जाना जाता है। इस घाघरा नदी के किनारे अफगानों की संयुक्त सेना और बाबर की सेना का सामना हो गया है। अफगानों की सेना बिल्कुल उसी तरह से जैसे हिंदी का एक मुहावरा चलता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये उसी प्रकार का भानुमति का कुनबा है जो अब बाबर के सामने खड़ा हो गया है, जिसे हराने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अफगानों की नीति जो है वो तो बाबर पहले से ही पढ़ चुका था, उसे मालूम था कि किस तरह से आक्रमण करना है। बिल्कुल सही बात है गौतम जी, ये वही मीर बाकी है जिसने मस्जिद बनवाया हुआ है, जिसे आजकल जो हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा बना हुआ है। तो बाबर ये कुछ बड़ी लड़ाइयां जीत करके अपने राज्य को स्थापित करना चाहता और अपने बेटों के सामने जिंदगी में वो दुश्वारी, वो परेशानी ना आ जाए, इसके लिए अब वो तैयारियां कर रहा है। बाबर के चार बेटे हैं, सबसे बड़ा हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये चार बच्चे हैं। इन चारों बच्चों को वो परेशानी ना देखनी पड़े जो बाबर को देखनी पड़ी है, इसलिए बाबर अब भारत में अपने राज्य के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर्स को बनाना चाहता है। लेकिन अभी वो इस काम को कर पाता कि कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है, इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया कि उसको मौत का सामना करना पड़ रहा है। और ये काम कहते हैं इस तरह से हुआ कि जब इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने, तो इब्राहिम लोदी के परिवार और इब्राहिम लोदी की माँ जो कि महल में छिपे हुए थे, बाबर महल में प्रवेश करता है, महिलाएं बच्चे अब चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, और जिन्हें बाबर शांत कराता है और ये कहता है, विश्वास दिलाता है कि बिल्कुल परेशान मत होइए, जिस तरह से आप इब्राहिम के लिए माँ हैं आप उसी तरह से मेरे लिए भी माँ हैं, इसलिए आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उस माँ ने जो कि इब्राहिम की माँ है, उन्होंने बाबर का विश्वास जीत लिया है और धीरे धीरे वो इतनी बड़ी ताकतवर महिला बन गई हैं कि अब बाबर का, देखिए राजा महाराजाओं का जो खाना होता था जिसे हम लोग लंच और डिनर कहते हैं, वो बकायदा चेक किया जाता है, तो वो चेक करने की जिम्मेदारी इब्राहिम की माँ के पास है। वो धीरे धीरे करके उसमें जहर मिलाती चली जा रही है, वही जहर बाबर को शारीरिक रूप से कमज़ोर करता चला जा रहा है, और 1530 में बाबर को अपनी मौत का सामना करना पड़ रहा है 27 दिसंबर के दिन।
अब बाबर की मृत्यु हो रही है और बाबर की मृत्यु के बाद उसे शुरुआत दौर में आगरा के एक जगह पर दफनाया गया है जिसे आराम बाग के नाम पर जाना जाता है। लेकिन बाबर की अपनी इच्छा थी कि उसका मकबरा जो बनाया जाए वो काबुल में बनाया जाए, क्योंकि जो काबुल है बेसिकली वो उसके द्वारा जीता गया पहला इलाका है। इसीलिए वो अपनी जो मकबरा बनाने की बात करता है, वो अपने लिए जो टॉम्ब बनाने की बात करता है, वो आपका काबुल में स्थापित करने की बात करता है। और आगे चलकर जब शेर शाह सूरी, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर तो वहाँ बताएंगे शेर शाह सूरी के सहायता से इनका जो परिवार जब बच जाएगा, हुमायूं भाग जाएगा, हुमायूं पे चर्चा करेंगे तो बात करेंगे, तो फिर ये सब लोग काबुल जाएंगे। जो बचा हुआ परिवार है वहाँ पर बाबर की पत्नी के द्वारा अपने पति की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए उसका जो शव है, जो ताबूत है, वो ले जाया जाएगा। और ये देखिए छोटा सा एक चित्र बना हुआ है काबुल के उस मकबरे का जिसमें बाबर को दफनाया गया है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि उस मुगल बादशाह का नाम बताओ जिसका मकबरा भारत के बाहर है, तो ध्यान रखिएगा बाबर। लेकिन इस सवाल को हम लोग एक बार और दोहराएंगे जब हम लोग आगे एक और मुगल वंश के राजा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दो मुगल ऐसे हैं जिनके मकबरे भारत में नहीं भारत के बाहर हैं, उनमें से एक बाबर, एक का नाम अगली क्लास में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वहां पर रखेंगे। बाबर एक बड़ा ही दानवीर किस्म का व्यक्ति है, इसीलिए उसकी एक उपाधि और है, उसे कलंदर भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, खासकर कुछ बड़े एग्जामों में ये पूछा जाता है कि कलंदर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था, तो ध्यान रखिएगा कलंदर का मतलब होता है ग्रेट डोनेटर। और काबुल बाबर को ये उपाधि दी गई थी घाघरा के युद्ध के जीतने के बाद। बाबर अपनी जिंदगी में एक काम और करता था, जब उसको खाली मौका मिलता था तो वो अपने बारे में लिखा करता था, अपनी जिंदगी के बारे में लिखा जाता लिखा करता था। तो बाबर की जो जीवनी है जिसे आत्मकथा भी कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, तो वो जो ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर ने खुद लिखी है उसे तुजुक ए बाबरी के नाम पर जाना जाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बाबर की जो आत्मकथा है हम लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, ठीक है ना। यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों किताबें अलग अलग हैं। बाबर ने जो किताब लिखी है उसका नाम तुजुक ए बाबरी है। तुजुक ए बाबरी जिस लैंग्वेज में लिखी गई है वो लैंग्वेज आपकी टर्किश है, ये ओरिजिनल बुक है जो बाबर ने खुद लिखी है। आगे चलकर इसी किताब का फारसी भाषा में अनुवाद किया है अकबर के मित्र ने, बैरम खां के बेटे ने, जिसका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना है। उन्होंने इस किताब को फारसी भाषा में अनुवादित किया और तब इसका नाम रख दिया गया है बाबरनामा। तो ये दो किताबें हैं। हम लोग आमतौर पर जो अपने किताबें पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसमें तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा लिखा मिलता है। ये दोनों अलग अलग किताबें, दोनों की भाषा अलग है, दोनों को लिखने वाले लोग अलग हैं। तुजुक ए बाबरी बाबर ने खुद लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने, अकबर के कहने पर किया। और तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किया गया था अंग्रेजी भाषा में, जिसे मैडम बेवरीज के द्वारा किया गया। मैडम एरिना बेवरीज ने इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये जो तीसरा मैंने आपको लाइन बताया है ये अब तक सिविल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, लेकिन एसएससी भी पिछले कई एक दो सालों से अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठा रहा है, इसलिए इन सारी चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। मुगलों की जो औपचारिक भाषा हुआ करती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो फारसी है, ठीक है ना सुशील कुमार जी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मुगलों की वो फारसी है, लेकिन मदर टंग की अगर बात करता है मातृभाषा की, तो मुगलों की मातृभाषा तुर्की, लेकिन उसकी आधिकारिक भाषा फारसी है, क्योंकि भारत में वही भाषा प्रयोग की जा रही है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर बाबर से संबंधित कुछ तथ्य हुआ करते थे और बाबर के बारे में कुछ जानकारियां थी जो हम आपने मिलकर शेयर किया है। इसके बाद भी अगर कुछ बचा रहेगा तो हम लोग मिलकर उसको शेयर करेंगे, आपके पास ऑप्शन रहता ही है। देखिए हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि आपके एसएससी सीपीओ की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और उसका पूरा का फुल बैच चल रहा है, और मैं पहले भी बता चुका हूं इस फुल बैच के लिए जो छोटी सी कीमत आपको, बहुत छोटी कीमत जो अदा करनी है वो मात्र 499 की है। जो चेहरे मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि मुझे कुछ सेकंड्स के लिए हाइड कर दे, मुझे पीछे छिपा दिया जाए। हाँ, अब देखिए आपके सामने कुछ चेहरे दिख रहे हैं, इन चेहरों के बारे में बयान करना
बिल्कुल सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। मैं इतना बड़ा दिया नहीं हूं कि जो सूरज की चमक को दिखा सकूं और बता सकूं। ये सभी के सभी चमकते हुए वो तारे हैं जिन्हें सूरज कहा जाता है। तो इनके बारे में फिलहाल मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। हाँ, आपको इस हीरो की, इस सूरज की चमक और तपिश दोनों आपको खुद स्वीकार करना पड़ेगा और खुद से आपको पहचानना पड़ेगा। तो इस क्लास को अटेंड करें, यहां पर आए, और बेहतर होगा कि इस सूरज की रोशनी से अपने जीवन को प्रकाशमान करें, अपने जीवन के उजाले को लेकर आए और जीवन में आगे तरक्की के रास्ते पर चलें। ठीक, तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक रखी गई है। अगली क्लास में हम लोग हुमायूं के साथ मुलाकात करेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो देखिए, आपके पास एक ऑप्शन बना है जिसे लाइक कहा जाता है। लाइक के साथ साथ एक रिश्ता बनता है शेयर का, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स तो मैंडेटरी है। क्योंकि इसलिए क्योंकि इस कमेंट्स में आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपके जो कंफ्यूजन होंगे, वो पूछे जाएंगे। कमेंट्स इस रेफरेंस में कह रहा हूं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशान हो तो आप जरूर सवाल पूछिए, हम लोग उसकी कोशिश करेंगे आपको आंसर देने के लिए। ठीक, उसके बाद बची हुई एक जिम्मेदारी आपके पास है, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ आपका जो एक आइकन बेल वाला है उसे जरूर दबा दें, उसे जरूर बजा दें, क्योंकि फिर उसी से हम सभी लोगों के मार्ग का, विकास के मार्ग का रास्ता खुलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।